राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल। ये देखिए हमने कढ़ी कितने अच्छी तरीके से बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, आप यकीन मानिए। ये देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है। चलिए शुरू करते हैं हम कढ़ी बनाना। एक कटोरी ले ली हुई है, कटोरी में हमने बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद ये प्लेट में जो नमक, अजवाइन, हल्दी और थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा है, मतलब इसको थोड़ा सा फ्लॉपी बने पकोड़े, उसके लिए मैंने सोडा डाला हुआ है। अब मैं इसका बेसन वाले पकोड़े में तैयार करूँगी। हल्का हल्का पानी डाल के मैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, ना मिर्च ना धनिया, मतलब मेरे को सिंपल पकोड़े चाहिए। ये देखिए आप इसमें आलू, प्याज, गोभी, पालक के पत्ते वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं डाला, हमने बिल्कुल प्लेन पकोड़े बनाने हैं तो मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, एक होता है ना केक का बैटर जैसे बनाते हैं, उसी तरह से इसका ढोकला का जैसे बनाते हैं। अब हमने ये दही ले लिया है, दही में ये सारे धनिया, जीरा, थोड़ा सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। दोस्तों मैं नमक अभी यहाँ नहीं डालूँगी। और ये बेसन एक कटोरी मैंने ले ली हुई है। अब मैं इन सबको ना पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़े थोड़े लंग्स को मैं खोल लूँगी। ये देखिए दोस्तों कढ़ी तो सभी के घर में बनती है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं एक होता ना वो मिक्सर, दाल घोटने वाला, दाल घोटनी, मैं उससे मिक्स कर रही हूँ। उससे जो लंग्स थोड़े बहुत बचे होंगे दही में, बेसन वाले या मसाले वाले, वो सारे मिल जाएंगे। पानी भी मिला दीजिए कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक, क्योंकि कढ़ी जब हम कढ़ाएंगे, आपको तो पता ही है कढ़ी कढ़ने के बाद कितनी कम हो जाती है, तो फिर ये जितना ही दही आप करेगा उतना ही हो जाएगा, तो पानी तो आप दोगुना मिला दें। ये देखिए हमने तेल सरसों का गरम कर लिया है। अब मैं पकोड़े तल लूँगी। देखिए कितने गोल गोल पकोड़े बन रहे हैं दोस्तों। ये पकोड़े जालीदार हैं, देख रहे हैं जैसे छेद हो रहे हैं ऊपर से। इन्हीं छेद की वजह से ना ये ग्रेवी को अपने अंदर सोख लेंगे पकोड़े। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी पकोड़े बने हैं मेरे। ये पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं, मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी ताकि जो तेल थोड़ा बहुत होगा वो भी सोख ले टिश्यू पेपर। ये देखिए सरसों के तेल में ही हमने पकोड़े निकाले, रिफाइन का यूज नहीं किया है हमने। ये दूसरा बार मैं डाल रही हूँ और मैं दूसरा बार भी इसी तरह निकाल लूँगी सारे पकोड़े। इन पकोड़ों को आप चाय के साथ भी खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए पकोड़े, अब मैं इसमें सारे तड़के डाल दूँगी। धनिया क्रश कर लिया, मेथी, काली मिर्च 8-10, तेजपत्ता, सूखी मिर्च और एक हरी इलायची और एक काली इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए अब मैं इसमें जो घोल तैयार किया था वो डाल रही हूँ। दोस्तों इसको बॉयल आने तक चलाते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है, आपको तो पता ही होगा। इसको चलाते रहिए, तब तक चलाइए जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। अगर आप नहीं चलाइएगा तो आपकी कढ़ी फट सकती है, फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा।
ये देखिए, कम से कम 10-12 मिनट लगे मुझे इसको पहली बॉयल लाने में, और ये बॉयल आ चुका है। और देखिए कितनी अच्छी कलर है। अब मैं इसको करने छोड़ दूंगी दोस्तों। आप अपने कहते कढ़ी को जितना कढ़ाइए उतनी अच्छी टेस्ट बनती है। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिए दोस्तों। मैंने नमक पहले इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि नमक भी डालने से कई बार कढ़ी फट जाता है। वैसे फटता तो नहीं, लेकिन चांसेस रहते हैं कि फट जाता है। तो अब मैं इसमें, ये देखिए, कितनी ठीक हो गई पहली वाली कंसिस्टेंसी, कितनी पतली थी। ये वाली थोड़ी देखिए गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी। पकौड़े डालने के बाद ही और थिकनेस हो आ जाएगा इसमें। ये धनिया खुशबू के अनुसार, धनिया का तो अपना एक अलग ही खुशबू होता है, ये सब्जी का जायका तो ऐसे ही बढ़ा देता है। ये देखिए, अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। पकोड़े मैं दिखाती हूँ आपको कितने सॉफ्ट बने। ये देखिए, ये आराम से सारे ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, अंदर से जालीदार बने ना, ये जालीदार होने की वजह से सारे ग्रेवी को सोख लेंगे पकोड़े। ये देखिए, डालिए प्यार से, खाना तो प्यार से ही बनना चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना, जैसा यन वैसा मन, फिर जैसा मन वैसा तन। तो तन को हमें बीमारियों वाले नहीं बनाने हैं, हमने अच्छे से शरीर को स्वस्थ रखना है। तो खाना प्रसन्न से बनाइए, प्रसन्नता होनी चाहिए खाना बनाते वक्त। हो सके तो आप कोई वजन भी लगा दीजिए, उसे खाने में हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। ये देखिए, मैंने पकोड़े डाल दिए कढ़ी में। अब मैं इसको ढक के कुछ मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं कढ़ी के साथ। ये देखिए, पकोड़ों ने कढ़ी को सोखा तो कढ़ी हमारी और ठीक हो गई। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, हमने कोई ऐड नहीं करना है। ये देखिए पकोड़े में कैसे सारी ग्रेवी घुस गई। ये देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, ये पकोड़े आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट और ग्रेवी को इतने अच्छे तरीके से पी लिए हुई है। ये देखिए दोस्तों, चावल के साथ कढ़ी का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, एक बनता लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, और इंजॉय कीजिए कढ़ी चावल, आप भी बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। एक बार ट्राई तो करना बनता है दोस्तों कढ़ी को। ये देखिए कितनी ग्लॉसी बनी है, पकौड़े तो ऊपर में ही जैसे तैर रहे हो। धन्यवाद।